सो गाइज अभी मैं हूँ बीड बिलिंग में। ये देखिए उल रिवर का नज़ारा, नीचे उल रिवर बह रही है, क्या नज़ारा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू व्लॉग। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मेरे फर्स्ट व्लॉग पे जो इतना ढेर सारा प्यार दिया, सो थैंक यू गाइज एंड कीप सपोर्टिंग मी। सो गाइज आज की राइड होने वाली है एक ऐसी जगह पे जिसे जाना जाता है पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से। सो आज की राइड होने वाली है बीड बिलिंग पे। सो गाइज चलते हैं और बाकी की बातें राइड पे करेंगे। सो गाइज हम पहुँच चुके हैं बैजनाथ। बिलिंग 20 किलोमीटर बीड नज़दीक में है। बीड जो है वो है लैंडिंग साइट और बिलिंग जो है टेक ऑफ साइट है, मीनिंग बिलिंग ऊपर है, बीड पहले आएगा। सो यहाँ से मुझे टर्न लेना है, हम जाएंगे लेफ्ट बीड बिलिंग के लिए और सीधा हाईवे चला गया मंडी कुल्लू मनाली के लिए। आप अगर बिलिंग पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ कैंपिंग साइट भी है एक जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकते हैं। बिलिंग यहाँ से 4 किलोमीटर है। सो अभी 4 किलोमीटर बचा है और बिलिंग तक का सफ़र। आप देख ही सकते हैं कैसे नज़ारे हैं यहाँ के, मौसम कैसा है। जो कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है और एशिया की हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट है गाइस, इतना ही ज़्यादा सुंदर प्लेस है ये। आप देख सकते हैं अभी तो फोग ही हो रखा है सभी जगह, बट ये देखिए तो गाइस यहाँ पैराग्लाइडिंग का बेस्ट सीज़न होता है सितंबर से जून तक, और अभी पैराग्लाइडिंग शुरू नहीं हुई है पर शुरू होने वाली है, सितंबर में स्टार्ट हो जाती है। एंड गाइस यहाँ का मौसम थ्रू आउट द ईयर प्लेजेंट रहता है गाइस। एंड गाइस ठंड भी लग रही है, हाथ की उंगलियाँ ठंडी हो चुकी हैं। देखो 21 मीनिंग 9:30 ही हो चुके हैं और अभी तक यहाँ पर धूप नहीं है। सो देखिए नीचे रोड दिख रहा है, हम उस रोड से ऊपर आए हैं। एंड ये है समुंदर तल से 8,020 फीट की ऊंचाई पे ये जगह। और गाइस यहाँ पे सर अभी नवंबर एंड दिसंबर के मंथ में बर्फ गिर जाती है, तो ग्लाइडिंग तो होती रहती है, अगर रोड खुला रहे तो आते हैं, ऊपर से पैराग्लाइडिंग तो चलती रहती है और जून तक होती है, जून के बाद बंद कर दी जाती है और फिर सितंबर में अभी स्टार्ट होती है। सो गाइस बिलिंग में तो फॉग था तो कुछ दिखा नहीं पाया मैं, बट लोकल्स को पूछने पे पता चला कि आगे एक 16 बिलिंग से 16 किलोमीटर दूर एक जगह है राजगुंधा। सो अभी हम वहाँ ही जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ये
क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं, और नीचे से फोग ऊपर आ रहा है जंगलों के बीच में से। रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ से, अब तकरीबन 12 किलोमीटर और हमें चलना है, 12-13 किलोमीटर। रोड की हालत आप देख ही सकते हैं क्या है। पर धीरे धीरे चलते हैं, डर भी लग रहा है पर डर के आगे जीत है। और नज़ारे बहुत ही सुंदर है जंगलों के बीच में से, सड़क इसकी हालत थोड़ी ख़राब है, ऑफ रोड, बिल्कुल ही ऑफ रोड। ये देखो नीचे से फोग आ रहा है पूरा ही, आज मैंने सुबह से फोग ही मिल रहा है हमें, धूप तो है ही नहीं आज, आज तो ऑफ रोड हो रहा है। ऑफ रोड का भी अपना अलग ही मजा है। टायर स्किड कर रहा है पीछे वाला, पत्थरों के ऊपर से, छोटे छोटे पत्थर हैं यहाँ पे। ये देखिए और धूप भी शायद अभी निकलने वाली है, थोड़ा सा धूप देखने को मिली इधर तो सामने। मैं डर तो रहा था बट अभी डर जो है वो खत्म हो गया। कौन सी जगह है ये? हनुमानगढ़ मंदिर भी है यहाँ। क्या ही ब्यूटीफुल रोड्स और क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, मज़ा आ गया।
व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस। रास्ते का काम चल रहा है भाई इधर तो, और आगे है लूज ग्रेवल। रास्ते भी ठीक हो ही रहे हैं, बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड हुए थे। सो गाइस अभी मैं हूँ राजगुंदा में, और ये बहुत ही सुंदर जगह है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई वैली है ये, और ये वैली आती है धौलाधार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में, और ये तकरीबन 8500 फीट की ऊंचाई पे है। सो गाइस यहाँ से प्लासिक वैली, तामसार पास और बड़ा बंगाल के लिए ट्रैक कर सकते हैं। और ये यहाँ के विलेज में लोगों की संख्या बहुत कम है, और यहाँ के लोग फार्मिंग करते हैं, और सर्दियों के दिनों में यहाँ के लोग नीचे के गांव में चले जाते हैं, बिकॉज सर्दियों में यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होता है। सो गाइस बहुत ही सुंदर जगह है। सो गाइस ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू। ये है उल रिवर, उल रिवर का पुल है ये, और आपको वहाँ पे दिख रहे हैं धौलाधार माउंटेन्स। थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये भी दिख रहे हैं आपको धौलाधार माउंटेन्स हैं, जो कि हल्का हल्का बर्फ है पड़ा हुआ अभी तक। और क्या ही सुंदर प्लेस है भैया। ये प्लान कुछ चेंज है, अभी हम जा रहे हैं वापस बया ब्रोड, हमने ब्रोड के बाद कोई कंटेंट नहीं बनाया बिकॉज हमारा एक्शन कैम जो था वो हो गया था बंद। सो अभी हम पहुंच चुके हैं घर के पास में। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप मेरा कंटेंट पसंद कर रहे हैं तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।